बड़ा सही बना है लंच। बैंगन का भरता है मस्त। हाँ, मुझे बहुत पसंद है बैंगन का भरता विंटर्स में। दिस इज आलू गोभी की सब्जी। फिश दिस रुई माच और रोहू माच। तो सो हंग्री। हे गाइस, हेलो। स्टार्टिंग अ न्यू ब्लॉग टुडे फ्रॉम माय वर्क रूम। जस्ट हैड अ नाइस लंच। इट्स वेरी कोल्ड। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है एंड यहाँ पर हम बैठ के अपना काम शाम करते हैं इस रूम में। मोस्टली दिस इज माई लैपटॉप वेर आई वर्क। कर्ल्ड अप एट द बैक इज मिस्टर सो कॉल्ड आफ्ताब शिवदानी। चार लोगों ने उनको आफ्ताब शिवदानी क्या बोल दिया चार लास्ट। लोग नहीं, बहुत लोग पहले भी बोले हैं। ओके, पूछ आई रहे डोंट नो हाउ बट आई डोंट सी माय सेल्फ एज चार लोगों ने आफ्ताब। आफ्ताब शिवदानी आफ्ताब शुड बी रिलेटेड टू उत्सव। चार लोगों ने आफ्ताब शिवदानी क्या बोल दिया। ये तो उनके पैर जमीन पे नहीं रहा तब से लास्ट ब्लॉग में। जमीन पे ठीक। तो बैठते हैं। तो इस रूम में हम दोनों, उसका ऑफिस का काम उस लैपटॉप में चलता है और मैं यहाँ पर काम करती हूँ अपना। उत्सव के जो बाल देख लो कितने लंबे हो गए, कितने लंबे होने हो गए है ना। उत्सव पोनीटेल बनाना है मेरे को। पोनीटेल पोनी टेल देखो। अभी वो पता नहीं कौन से दुनिया में रह रहा है। कर्ली है बाल मेरे, स्ट्रेट है इसके कर्ली है बाल। वही हेयर ऑयल लगा था रूट रिस्टोर वाला। रूट रिस्टोर रूट रिस्टोर मामा अर्थ का है। कुछ हो रहा है कि रिस्टोर वगैरह। तो वो तुम बताओगे तुम्हारा क्या ओपिनियन है। हम लोग तो वो यूज करते हैं, बहुत अच्छा है वैसे। उनका भृंग आमला रेंज काफी अच्छा है। एनीवे आज जो वीडियो है ना इसमें मैं आपको बताऊंगी कि माई पीसीओडी अपडेट। यस प्लीज मूव। Don't you don't need to show me always. हाँ, तो वाई आर यू, योर हेयर इज देयर ना, सो दैट इज So वाई। get rid of my back. What is this? Ah, this is fine. The shoe का रैक इज कमिंग। So why are you showing the shoe का रैक? Go to that room and do the shoe. I'm getting disturbed. No space to vlog in this house of only two people. Only two people still can't vlog. ओके, नो पीस। आई एम टेलिंग यू हस्बैंड्स आर लाइक अ पेन इन द आर्ट्स इन द रॉन्ग वे। एनी वे आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी, मेरी पीसीओडी अपडेट। क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप पहले पीसीओडी पे वीडियो बनाते थे, फिर आपने बंद कर दिया, फिर आपका पीसीओडी ठीक हुआ कि नहीं। तुमने मेरे रील देखा कि नहीं? मुझे कॉपीराइट लग गया था, बंद करो ये सब बकवास। कॉपीराइट होगा तो ये म्यूजिक क्यों आएगा? इंस्टाग्राम में कॉपीराइट नहीं है, ये यूट्यूब में। बंद करो। ये जो इसको क्या शॉल है ना, ये एक्चुअली शॉल है ना, ये एक्चुअली उत्सव के दादी ने बुन के दिया था मुझे। दादी है ना, ठाकुमा को क्या कहते हैं? हाँ, बंगाली में ठाकुमा जो होता है वो हिंदी में दादी होती है। तो दिल्ली में सर्दी बहुत होती है तो इससे मैं बहुत वार्म रहती हूँ, और जब अगर मैं सर्दी में वार्म रहूंगी तो मेरा दिमाग भी ठीक रहता है, शरीर भी अच्छा रहता है, मेरे लिए भी अच्छा है। हाँ, इसके लिए भी अच्छा है। तो पीसीओडी के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। जो लोग मुझे कहते हैं मैं अपडेट देती नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मुझे अपडेट देनी नहीं है, मुझे अपडेट देनी ऑफकोर्स है आप सबको। बट क्या हो रहा था ना, ये रहा था कि वन बेस्ट वे टू कीप पीसीओडी इन इट्स एस इज यू नो नॉट थिंक टू मच अबाउट इट एंड एक्चुअली वर्क ऑन योर लाइफ स्टाइल। ये तो मैंने सीखी है। ठीक है, आजकल तो खैर पीसीओडी के ऊपर इतने वीडियोज आ गए, इतने वीडियोज है एंड प्रॉपर प्रोफेशनल डॉक्टर्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट बोलते रहते हैं। तो आजू बाजू के लोग आपके अच्छे हो, मेरे आजू बाजू बस एक ही लोग है जो दिन रात जो बहुत अच्छा है, जो ओ माई गॉड जो बहुत अच्छा है एंड चार लोगों ने जिनको आफ्ताब शिवदसानी बोल दिया तो वो बहुत खुश हो गए। ऐसे टाइप लोगों के साथ मैं रहती हूँ, मेरा उठना बैठना है। पहले से लोग बोलते हैं आफ्ताब, मेरे को वासिम अकरम भी बोलते हैं। हाँ, वासिम अकरम आई अग्री। मेरा चश्मा वैसा है क्या? पता नहीं, वासिम अकरम के तरह आई कैन अग्री। एनीवे, जोक्स अपार्ट, उसको काम करने देते उस रूम में। मैं पीसीओडी के बारे में थोड़ा सा अपडेट भी, थोड़ा रियल टॉक करते हैं। हाँ, एंड उसके पहले आई विल बी, एंड देयर इज अ शीट मास्क दैट मामा अर्थ सेंड मी व्हिच आई विल बी ट्राइंग एंड यू नो चिलिंग फॉर अ बिट पोस्ट माय लंच एंड देन वील सिट एंड टॉक अच्छे से अबाउट पीसीओडी एंड एवरीथिंग। ठीक है, अच्छे से बात करते हैं। सो मामा अर्थ हैज लॉन्च अ बैम्बू शीट मास्क, 8 डिफरेंट वेरियंट्स, हाइलोनिक रेटिनॉल, विटामिन सी, नियासिनामाइड, राइस वाटर, रोज वाटर, कोको एंड उपटन, ऑल सूटेड फॉर डिफरेंट स्किन टाइप्स। दे प्रोवाइड यू 9 टाइम्स मोर हाइड्रेशन देन रेगुलर शीट मास्क। दीज आर बैम्बू बेस्ड, अनलाइक ऑल अदर शीट मास्क, एंड हेंस नॉट हार्मफुल टू द एनवायरमेंट एज वेल।
I'm going to use the vitamin C bamboo sheet mask. This has vitamin C and honey and it's for skin illumination. They have the Plant Goodness Initiative, which means whenever you order any product from their website, they're going to link your order to a tree that they plant. Mama Earth believes in goodness inside, not just what the goodness they have in their products, but also the value that this brand stands for. Okay, by the way guys, you definitely need to check the description box for my coupon code, which is Anvesha2020 for 20% discount on their website. Of course, it's available on Flipkart, Nykaa and Amazon. So now I've applied the mask and after this, I'm going to chill and read my book from Storytel, like an audiobook for 15-20 minutes. And then we're going to discuss in detail about a little bit about my PCOS update and stuff like that. We need to chill. If you are suffering from PCOD, you know that mental fitness is the key and how to relax yourself and pamper yourself is very, very, very crucial to it, which is what I'm clearly doing here, as you can see. So after 15-20 minutes, I'm removing my mask and you can clearly see after I've done it, my face already feels very hydrated and moisturized. The serum makes it glowing. अभी बात करते हैं थोड़ा पीसीओडी अपडेट एवरीथिंग को लेकर. बहुत लोगों को नहीं शायद पता होगा, नए लोगों को, बट यूजुअली जो पुराने सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हैं जिन्होंने भी मेरे वीडियोस देखे उनको पता होगा मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी बहुत तगड़ी वाली. इसलिए आई स्टार्ट माई वेट लॉस जर्नी इन 2017 एंड देन आई लेट एवरी पीसीओडी पर्सन नो दिस वन थिंग. एकदम दिल से फ्रॉम पीसीओडी सर्वाइवर टू अनदर पर्सन सफरिंग फ्रॉम इट और अ सर्वाइवर, इट इज अ डिजीज दैट हैज बीन क्रिएटेड बाई मी बिकॉज ऑफ माई वेरी फक्ड अप शिटी लाइफ स्टाइल. सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट हाँ, बिकॉज मेरी लाइफ स्टाइल बहुत ही भैया थी, बहुत ही बेकार थी, तो मुझे पीसीओडी थी. मेरी खाना पीना ठीक नहीं था, मेरा सोने का टाइम ठीक नहीं था, मैं हॉस्टल में रहती थी, फिर दुबई हम चले गए तो बहुत, मतलब बहुत जो हिस्ट्री है वो बहुत ही मेस्ड अप, उसमें फिटनेस का एफ तक नहीं होता था. तो उसी वजह से मुझे ओवरीज में सिस्ट हो गए थे. तब उस टाइम बहुत साल पहले जब मेरे गायनेक ने मुझे वेट लॉस के लिए कहा था, तब मुझे नहीं रजिस्टर हुआ था कि उन्होंने ये क्यों कहा. दैट टाइम आई डिड नॉट पे हीड टू हर एडवाइस. आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 2015 व्हेन आई विजिटेड हर, बट आई डिड नॉट स्टार्ट माय वेट लॉस जर्नी देन. ओके, आई स्टार्ट माय वेट लॉस जर्नी सीरियसली फ्रॉम 2017. ना, अगर आप सीरियस और फिटनेस लेके तो एक डिसिप्लिन ले आती है एंड डिसिप्लिन से आप अपनी लाइफ स्टाइल को, पीसीओडी, हार्मोन को, इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हो, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो अपने ऊपर. अदरवाइज यू कीप ऑन गिविंग एक्सक्यूजेस. ठीक है, सो दैट इज व्हेन इन 2017 फाइनली आई स्टार्टेड माय फिटनेस जर्नी. फाइनली यू नो आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माय डाइट, आई स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी, स्लीपिंग वेल, रेस्टिंग वेल, स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग. आई वाज नॉट वेरी ओबीस. ओके, आई वाज ओवरवेट. आई लॉस्ट अराउंड 12-13 किलोग्राम्स. आई डिड इट ऑल बाय माई सेल्फ विद वेरी बेसिक थिंग्स, यू नो, ईट, रीडिंग अप अबाउट डाइट, न्यूट्रिशन, ईटिंग वेल, डूइंग एक्सरसाइजेस, बेसिक stuffs. I did exercises, I used to walk, brisk walk, run, jog, sleep on time, eat well, be very cautious about what I'm eating, stop taking inflammatory food, like I would not take a lot of refined sugar, processed food, junk बहुत कम कर दिया था उस time की बात कर रही जब मैं weight loss journey पे थी. और ऐसे ऐसे करके मेरे period आने लग गए and you know I started reducing weight gradually. जब मैंने थोड़ा सा almost 7-8 किलो, I also started joining gym, मतलब मैंने cult join किया, training with professionals for different formats of workout, like weight training start कर दिया, essential strength and conditioning, yoga, zumba, ये जो 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 है everything started learning them from experts and I genuinely started enjoying it all. Periods became normal, yoga really helped me a lot. So that is how I tackled my thing. That's it. उसके बाद मैंने कभी focus या अपने सर पे ये नहीं डाला कि यार मुझे PCOD है, क्या मैं कभी ठीक हो सकती हूँ. जितना मैंने देखा, जितना मैं mentally अपने आप को इस thought process से कि okay, I have this disease, now what? That's wrong. So you should be aware and you should have your knowledge about this disease, but don't beat yourself up because you have a disease. Take responsibility and tell yourself, okay, I will have to now rectify my lifestyle, rectify my mistakes. And that is the first step that you take. And once you understand, आप जब एक बार समझ जाते हो आपकी mistake, आप realize कर लेते हो कि boss, ये सही नहीं हो रहा, then you start working. And अगर आप gynecologist के पास हो, अगर आप medication हो और medication लेके
आपकी पीरियड्स हो रही है, आपको पीसीओडी कंट्रोल में, देन आई एम टेलिंग यू इट्स गोइंग टू बी लिटिल टफ. आजकल बहुत सारे नेचुरोपैथ्स हैं यू नो हु आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग वेरी नाइस डाइट पैटर्न्स. इफ यू आर लेजी एंड इफ यू कैन नॉट डू इट बाय योरसेल्फ, देयर आर लॉट ऑफ डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट एंड जो पर्सनल कोचिंग करते हैं पीसीओडी के लिए, नॉट ऑफ नेचुरोपैथ्स हु डू पर्सनल डाइट कंट्रोल करके पीसीओडी के लिए. योगा रियली हेल्प्स यू. सीड सेटलिंग इज अ न्यू थिंग फॉर पीसीओडी, अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट. So yeah, there are these kind of things, research and knowledge. If somebody doesn't want to take a medication for PCOD, then they can try. But I genuinely want to tell you, it's a lot to do with your lifestyle. It's a lot. And to have a fit lifestyle is an effort. Matlab, एक फिटनेस को मेंटेन रखना, एक फिट लाइफस्टाइल में रेगुलर वर्कआउट करना, डाइट सही से रखना, बहुत मेहनत की काम है जो व्यस्त जिंदगी में पॉसिबल नहीं होता है औरतों के लिए. And so it's tough, and PCOD can affect women of almost any age, from teenagers to late 20s, early 30s, you know. It's a tough situation to be in, but it's not life-threatening. And yes, it can be cured, at least the symptoms can be reversed. And there's a lot of confusion, like I said, ki kuch kehte hai ki you can cure your PCOD forever. Some gynecs say that you can just reverse the symptoms, but PCOD cannot be cured. So yeah, the main mudda ye hai, you eat well, you have to maintain your hormones, you know. Your hormones ko sahi rakhne ke liye, your mentally fit rehna bahut zaruri hai. Make sure that your vitamin D, B12 level, these supplements are also there in your diet if you suffer from these diseases. If you are a woman in your late 20s, 30s, please get a full body medical checkup done. Pareshan na ho. Please do not panic. You can reverse your symptoms, you can cure yourself. You need to just take care of your hormones. You need to balance them. You need to balance your weight. You need to really lose your weight, especially for PCOD. And weight loss will help you. Yes, but weight loss in the right manner. You just can't lose weight with a crash diet or yo-yo diet. Usse problem badhegi. A detailed video on PCOD, I'll link in niche in the description box. An informative video which will help you guys. You check it out. Okay? Bye. Take care.